हाय गाइस, मेरा नंबर 9 है दोस्तों। आप यहां पे देख रहे हैं मेरे पास सैमसंग J7 प्राइम का ये मॉडल है और इसका मॉडल नंबर है G610F। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि इस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक है। चलिए आप थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पे जब तक ये फ़ोन ऑन हो रहा है तब तक मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि कई सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था। उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई जो बाहर कंट्री का फ़ोन आ रहा है और उस फ़ोन में जो है इंडिया में यहाँ पे LTE वोल्टी जो है उसमें नहीं आ रहा है और हमें जो है डाटा ऑन करके बात करना पड़ता है, तो उसका क्या हाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर ऐसा फ़ोन आपके पास आए तो आप उसी मॉडल में जो है उस मॉडल का फ्लैश फाइल डाउनलोड करें, इंडियन फ्लैश फाइल, और उस इंडियन फ्लैश फाइल से आप फ्लैश कर दें और ये प्रॉब्लम आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें FRP लॉक है और यहाँ पे जो है स्किप का ऑप्शन नहीं है। इसे हम अनलॉक करेंगे अपने UMT डोंगल से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX Manna यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है अल्टीमेट मल्टी टूल UMT डोंगल का ये टूल है। इस टूल को हम ओपन करेंगे सबसे पहले। चलिए हम इस टूल को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टीमेट मल्टी टूल ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें चेक लगा देना है, उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करेंगे तभी जो है टूल जो है पूरी तरह से ओपन होगा। तो चलिए हम यहाँ पे चेक लगा के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये UMT डोंगल का जो अल्टीमेट मल्टी टूल है ये पूरी तरह से ओपन हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ सबसे पहले सैमसंग टूल हमें सेलेक्ट करना होगा। सैमसंग टूल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे में आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्टीमेट फ्लासर, ये अल्टीमेट फ्लासर हमें यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देंगे उसके बाद ये टूल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टूल FRP पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है एक बार। ठीक है, और जैसे हम टूल FRP पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि FRP अनलॉक करने का कई मेथड है। तो यहाँ पे आपको जो है न्यू मेथड है वो न्यू मेथड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप FRP का जो न्यू मेथड है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों FRP न्यू मेथड हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है मोबाइल को बूट कराने की। मोबाइल को कैसे बूट कराना है आपको, तो मोबाइल को कैसे बूट कराना, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मोबाइल को कैसे बूट कराना है। तो मोबाइल का वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको मोबाइल को बूट कराना है। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे मोबाइल कैसे बूट कराना है। तो दोस्तों मोबाइल को बूट कराने के लिए आपको मोबाइल को सिर्फ ऑन कर लेना है, मोबाइल को डाउनलोडिंग मोड पर नहीं ले जाना है। ठीक है, या ना ही मोबाइल को आपको ऑफ करना है, सिर्फ आपको मोबाइल को ऑन कर देना है। और मोबाइल को ऑन करने के बाद इसमें आपको सिंपली डाटा केबल लगा देना है। ठीक है, और जैसे आप डाटा केबल लगा देंगे इसमें, और डाटा केबल लगा देने के बाद आपको यहाँ थोड़ा सा कैमरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल हमारा ऑन है और FRP मेथड पर है हमारा मोबाइल। उसके बाद इसमें हम डाटा केबल लगा देंगे यहाँ पे, और डाटा केबल जैसे हम यहाँ पे लगा देंगे उसके बाद हम यहाँ पे अल्टीमेट फ्लासर में FRP मेथड न्यू हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये सिंपली हमें यहाँ पे रिसेट FRP पे क्लिक कर देना है एक बार, और जैसे रिसेट FRP पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो है एरर दे रहा था, तो हमने यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट नहीं किया था। सैमसंग USB मॉडम का पोर्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था। हमको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में रिफ्रेश मारना है एक बार, और सैमसंग USB मॉडम पोर्ट सेलेक्ट करके उसके बाद रिसेट FRP में हमें क्लिक कर देना है। और जैसे हम रिसेट FRP बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ देर का, मतलब 1-2 मिनट का लगभग यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। और उसके बाद हमारा ये मोबाइल जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। और डाउनलोडिंग मोड पर जाने के बाद और ये मोबाइल का जो FRP अनलॉक होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर जा चुका है। चलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा दूँ कि हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला गया है। ठीक है,
दोस्तों मैं बता दूं कि इस कैमरे में रोशनी की वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये मोबाइल का पूरी तरह से तस्वीर तो मैं आपको थोड़ा से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल जो है डाउनलोडिंग मोड पे जा चुका है, तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें छोड़ देना है मोबाइल को और कुछ देर का थोड़ा सा इसमें प्रोसेस चलेगा। और कुछ देर की प्रोसेस चलने के बाद इसका जो है ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद जब ये मोबाइल ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली जो ये मोबाइल जो है बिल्कुल पूरी तरह से ये मोबाइल ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा आप यहाँ थोड़ा सा वेट कर लें और थोड़ा पूरी तरह से देख लें और समझ लें पहले, क्योंकि बाद में आपको परेशानी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल को जब अभी ये मोबाइल पूरी तरह से भी ऑन हो जाएगा, उसके बाद इस मोबाइल में आपको जो इसके रिकवरी मोड में जाकर के इसका हार्ड रीसेट करना होगा आपको, क्योंकि अगर आप इसका हार्ड रीसेट नहीं करेंगे तो ये मोबाइल का जो इंटरनल मेमोरी का जो स्पेस है वो जो बिल्कुल कम हो जाएगा, तो इसे आपको जो हार्ड रीसेट करना ही होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट जो यहाँ पे पूरी तरह से जो है इसका FRP अनलॉक हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।